घर के अंदर सोए किशोर की सर कूच कर की गई निर्मम हत्या। घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना कला गांव में बीती देर रात की है, जहां एक ही कमरे में अलग अलग चारपाई पर सोए भाई बहन में से किशोर की सर कूच कर अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन भाई की बगल वाली चारपाई पर सोई बहन को कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं बहन के द्वारा बताया गया कि वह सुबह उठकर कमरे से बाहर आ गई और घर के बगल रहने वाले चाची के पास चली गई और दोबारा कमरे में जाकर भाई को जगाने के लिए रजाई पलटी तो खून से लथपथ चारपाई पर भाई का शव देखकर चिल्ला चिल्ला कर चाची को बुलाया। जबकि मृतक किशोर का नाम मृतक अमन बिंद पुत्र राम प्रकाश बिंद उम्र 13 वर्ष है, जबकि पिता राम प्रकाश बिंद खेती के कार्य से कौंधियारा के अकवैया मजरे में गए हुए थे। बेटे की हत्या की जानकारी होते ही वह भी हद हवास अपने गांव की तरफ चल पड़े और मौके पर पहुंचकर 13 वर्षीय लाडले बेटे अमन का खून से लथपथ शव को देखकर दहाड़ मार कर रोने लगे। जबकि घटना की जानकारी होने पर घटना स्थल पर तत्काल ही थाना प्रभारी कौंधियारा मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुँच करके घटना के बारे में क्षेत्र अधिकारी 12 व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ को उग्र देख करके सुरक्षात्मक दृष्टि से आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स को घटना स्थल पर बुलाया गया। वहीं मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच करके मृतक किशोर के पास से कई अहम साक्ष्य जुटाए, लेकिन परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा शव को उठाने नहीं दिया जा रहा है और परिजनों के द्वारा घटना स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ही आने की मांग कर रहे हैं। जबकि खबर लिखे जाने तक मृतक किशोर का शव घटना स्थल पर ही पड़ा हुआ है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। कुछ नहीं होगा, दूसरे ऊपर कनील कितना कर दे उसका हौसला बढ़ता जाएगा, हम लोग यही खड़े के खड़े रह जाएं। हमको न्याय मिलना चाहिए, बफ हो गया न्याय, कतलियों को पकड़ना, उच्च अधिकारियों को उनका गिरफ्तार, उनको लाइन में लाना उनका कर्तव्य है। अरे मांग कर रही है एसओजी टीम विभाग को ये केस सौंपी जाए, बस हो गया। चलो साहब बस ये इतना रख लिया, बस आ जाए साहब तो इसे जैसे हो बस इतना रख लिया, बस एसओजी टीम विभाग को हाँ। अरे वो आए जाए कुत्ता लिया का ही तो थाने पे गठिया वाला वही लेता। आप लोग जैसे आते हैं भाई उनका का, हम चाहते हैं हमारे उच्च अधिकारी आ जाएं एस पी साहब और जैसा कहेंगे हमारा गांव जैसा समझेगा उन पर निर्भर करेंगे। अब बाकी हम इस समय इतने फबे नहीं, जैसे एस पी साहब आएंगे तो मैं बात उसी तरह मानूंगा या सुलझाऊंगा कड़ी से कड़ी। जो कत्ल करने वाला है उनका अच्छी कड़ाई से कड़ाई, जैसा वो किया है उसका वहीं फट जाए, उसके ऊपर इतनी धारा लग जाए कि कभी उड़ी ना हो, यही मैं चाहता हूँ। और अच्छी तरह से कि आज ऐसा हुआ है हमारे गांव में, काल और अधिक उसका मनोबल कत्ल का बढ़ जाएगा। हाँ बाकी हमको क्या मालूम, हमको क्या ऐसे पकड़ा है कि हाँ वही कत्ली है। जब ऊपर अधिकारी आएंगे जैसा हमका निष्कर्ष मिलेगा वही करेंगे।